कम बैक टू अवर चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम लोग थ्री फेज सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं कि सॉइल में थ्री फेज सिस्टम क्या होता है। रियल में देखो, ये सब जानने से पहले हमें सॉइल के बारे में जानना जरूरी है। सॉइल जैसे नाम से पता चला है, मिट्टी, मिट्टी में क्या क्या होता है। देखो, इसको हम लोग जनरली एक डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो, जैसे ये हमारा डायग्राम है, ठीक है, इसमें मैंने तीन फेज मान लिए हैं। जैसे जनरली सॉइल के अंदर क्या क्या होता है, कुछ उसके सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो कि मिट्टी होती है। दूसरा, उसमें कुछ ना कुछ उसका मॉइस्चर कंटेंट होता है, मॉइस्चर बोले तो उसमें कुछ ना कुछ उसका गीलापन होगा, गीलापन बोले तो कि वहाँ पे कुछ ना कुछ उसमें पानी होगा जो कि हमारा लिक्विड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? अब इसमें वहाँ पे कुछ ना कुछ हवा भी तो होगी मिट्टी के अंदर, क्योंकि मिट्टी के अंदर जैसे हम उसमें दबाएं तो उसमें सॉलिड तो होता ही होता है, लिक्विड होता है, थर्ड वन इज एयर। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे तीन चीजें होती हैं। तो यही हमारा रियल में फेज डायग्राम रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी एक मिट्टी में क्या क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, एयर। एयर को हम लोग गैस भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या रिलेशंस होते हैं, ये सब हम थ्री फेज सिस्टम में स्टडी करने वाले हैं आज, ठीक है। अब जनरली अगर इसमें बात करें हम, तो यहाँ पे मैं इसको वेट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसे वॉल्यूम से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे इसको मैं वेट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर वॉल्यूम की बात करी जाए सॉलिड के अंदर, तो सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा, तो सॉलिड में अगर वॉल्यूम की जनरली बात करूँ तो हम लोग Vs लिख सकते हैं। मान लिया हमने कोई भी इसका वॉल्यूम है जो कि Vs है, ऐसे ही ये लिक्विड का हम लोग VL लिख लेते हैं, ठीक है, और एयर का हम लोग VA लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें ये तो हमारा इसका वॉल्यूम हो गया, अब हमें इसका वेट लिखना है, ठीक है। ये हमने बस लैट कर लिया, जब भी हमें कोई न्यूमेरिकल करना होगा तो सिंपली ये वैल्यूज हमें गिवेन होंगी या हम रिलेशनशिप से इन्हें फाइंड आउट करते हैं। देखिए कैसे, अब मान लीजिए ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, अब हमें सॉलिड का वेट निकालना है। अब सॉलिड का वेट कैसे निकाला जाए, देखो हम लोग बचपन से एक चीज पढ़ते आ रहे हैं, गामा इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय वी, गामा इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय वी, दैट मीन्स जो हमारी ये यूनिट वेट है ये किसके इक्वल होता है, वेट अपॉन में वॉल्यूम। यहाँ से अगर हम लोग वेट की वैल्यू निकालें तो वेट की वैल्यू हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, गामा इंटू वी। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो वी तो हमारे पास है सॉलिड का, वी हम मान चुके हैं उसे, और गामा सॉलिड का अगर हम गामा ले लें तो हमारा वेट ऑफ सॉलिड आ जाएगा, दैट मीन वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू गामा एस इंटू में वी एस, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे गामा एस इंटू में वी एस, ये हमारा आ गया वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब इसी तरह सिमिलरली अगर हम लिक्विड का निकालना चाहें तो लिक्विड का क्या हो जाएगा, गामा डब्ल्यू इंटू में वी एल। सिमिलरली बाय दिस प्रोसेस वी कैन राइट द सेम रिलेशनशिप विद द वेट। क्लियर? अब इसमें अगर हम एयर की बात करें, एयर में हम लोग मानते हैं कि वेट होता है कुछ ना कुछ, लेकिन उसमें इतना वेट कम होता है ना कि एकदम नेग्लिजिबल बोल सकते हैं उसको हम लोग इजिली नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और किसी भी यार सॉइल में ना उसका एयर का वेट निकालना ना बहुत डिफिकल्ट काम हो जाता है आजकल, और हम इसे प्योर और एक्यूरेसी लाने के लिए, अपने रिजल्ट को फास्ट करने के लिए इसका हम वेट जीरो मान के चलते हैं, ठीक है। तो जनरली थ्री फेज डायग्राम कुछ भी नहीं है, थ्री फेज डायग्राम एक ऐसा डायग्राम है जो वेट और वॉल्यूम में रिलेशन बताता है। अब इसमें बात ये आती है कि क्या ये हमेशा थ्री फेज ही रहेगा, क्योंकि थ्री फेज तो इसे इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें सॉलिड है, लिक्विड है, एयर। नहीं, ये फर्दर दो टाइप में डिवाइड होता है, दैट इज सैचुरेटेड एंड ड्राई। ये जनरली दो चीजों में ड्राई होता है। एंड अब ये सैचुरेटेड क्या है और ड्राई क्या है ये जानना जरूरी है। अब देखो सैचुरेटेड क्या होता है, जब भी किसी मान लीजिए ये जैसे लिक्विड है, एयर है, मान लीजिए इसको हमने हीट करना शुरू करा, हीट करते ही क्या होगा, सारा लिक्विड, सारा वाटर हमारा, इसको हम लिक्विड को वाटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे वाटर भी लिख सकते हैं इसकी जगह हम लोग, तो सारा लिक्विड हमारा एवोपरेट हो जाएगा। अगर सारा लिक्विड हमारा एवोपरेट हो गया तो इसमें क्या बचेगा, सिर्फ सॉलिड और एयर बचेगा। तो जनरली हम इसको ऐसे बना सकते हैं क्या, यहाँ पे हमारा सॉलिड हो गया, यहाँ पे हमारा एयर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे वाटर तो है नहीं, वाटर जब है ही नहीं तो ये मिट्टी एकदम सूखी मिट्टी हो जाएगी। अब ये जब मिट्टी सूखी है तो हम लोग इसको ड्राई सॉइल बोल सकते हैं क्या, तो यही हमारा ड्राई सॉइल होता है। कि एक ऐसा टू फेज डायग्राम
जिसमें वाटर हमारा प्रेजेंट नहीं होता है। अब आते हैं तो फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल पे कि सैचुरेटेड सॉइल क्या होता है। देखो सिमिलरली अगर सैचुरेटेड सॉइल हमें बनाना है तो हम उसमें से सारी एयर रिमूव कर दें, अगर सारी एयर रिमूव कर दें मतलब उसमें सिर्फ वाटर बचे। जैसे मान लो एक कंटेनर है हमारे पास, एक कंटेनर है उसमें मिट्टी भरी पड़ी है, ठीक है, बहुत सारी मिट्टी है। अगर अब इसमें हम पानी मिलाते जाएं तो एयर कम होता जाएगा, जैसे ज़्यादा पानी मिलाते जाएंगे एयर उतना ज़्यादा कम होता जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, जैसे आटा ले लीजिए, अगर आटे को हमें घोलना है तो उसमें क्या करते हैं रोटी बनाने के लिए, जनरली पहले थोड़ा पानी डालते हैं, रियल में तो वो सॉलिड है तो थोड़ी एयर बाहर आएगी। एक टाइम के बाद हम उसे इतना पानी मिलाते जाते हैं कि सारी एयर बाहर आ जाए। एक ऐसी कंडीशन जिसमें सॉइल में सिर्फ और सिर्फ वाटर रहे एयर ना रहे, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन। सॉइल को बोल सकते हैं फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, मीन्स उसमें हमारी एयर बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। आफ्टर ऑफ दैट अगर हम फिर भी पानी मिलाते जा रहे हैं उसमें, तो यार हम लोग जानते हैं हमारा जो सॉइल है वो फ्लो करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो अब हम जनरली ये सैचुरेटेड में बात कर लेते हैं। सैचुरेटेड में दो चीज़ें होती हैं, एक सॉलिड, सेकेंड वन इज वाटर। वाटर बोल सकते हैं, लिक्विड कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है। यहाँ लिक्विड का नेम वाटर ही है क्योंकि जनरली सॉइल में वाटर ही पाया जाता है और कुछ नहीं होता, तो लिक्विड का मतलब वाटर ही है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल हो गई। यहाँ से हम लोग इसमें फिर वेट और वॉल्यूम में रिलेशन लिख सकते हैं। देखो कैसे, सिमिलरली इसका हमने फिर से मान लिया कि इसका वी एल है, इसका वी एस है। अगर इसका वी एल और इसका वी एस है तो सेम इसका क्या हो जाएगा, इसी तरह गामा एस इंटू वी एस, और सिमिलरली इसका हो जाएगा हमारा गामा डब्ल्यू इंटू में वी एल, ठीक है। ये हमारी फुल्ली सैचुरेटेड की कंडीशन है, ये हमारी ड्राई सॉइल की कंडीशन है। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि ये हमारा टू फेज डायग्राम होता है, ना कि थ्री फेज डायग्राम, क्लियर। तो यही हम लोग जनरली थ्री फेज सिस्टम में पढ़ते हैं। और अगर मैं बात करूँ वेट की, तो वेट को यहाँ से मास से ही रिप्रेजेंट करा जा रहा है। इसकी यूनिट अगर हम बोल सकते हैं वेट की अगर यूनिट की बात करें, दैट इज केजी, ग्राम वगैरह वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं उसके हम। और वॉल्यूम की अगर बात करें, सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है, मीटर क्यूब भी हो सकता है, जनरली ये सारी इसकी यूनिट्स हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये ढंग से समझ आ गया होगा, वैसे बच्चों का बहुत सा डाउट होता है इसमें। और मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में पोरोसिटी, वॉइड रेशियो, इन सब के रिलेशंस को प्रूफ करने वाला हूँ और इन सबको ढंग से समझाने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। अगर आपको कोई डाउट है तो उसे कमेंट्स में जरूर पूछिए। दैट्स इट।